नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा बेबर के सामुदायिक केंद्र पर औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में विभिन्न प्रकार की खामियां देखने को मिली। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक पाठक की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के थाना बेबर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव रूम में खिड़कियों का पर्दा नहीं मिला। पेयजल की भी उचित व्यवस्था नहीं थी। प्रदीप शर्मा ने एक्सरे मशीन का भी जायजा लिया। एक्सरे मशीन के उपयोग के बारे में बताया, नर्सों को जमकर फटकार लगाई, जिससे सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अफरा तफरी मची रही। अस्पताल में सफाई को लेकर भी सही व्यवस्था का आदेश दिया गया। कहा गया कि बच्चों को कुपोषण का शिकार न हो पाए, टीकाकरण समय पर लगाया जाए, कोई भी कमियां बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। सर जी, आपका क्या नाम है सर जी? मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा। जी सर जी, आप इस टाइम कहाँ पे हैं? मैं बेबर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण पे आया हूँ। जी सर, आप इस सीएससी बेबर पे हैं, तो यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर हम मुख्यतः टीकाकरण और प्रसव सुविधाओं पर सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देने आए हैं, और जो भी कमियाँ छोटी मोटी रह जाती हैं जी से स्टाफ को अवगत कराते हैं जी, और अधीक्षक को अवगत कराते हुए उनमें सुधार का प्रयास करते हैं जी। सर, आपने यहाँ का निरीक्षण किया, किसी चीज़ की कोई कमी पाई? जी हाँ, कुछ जी छोटी छोटी कमियाँ थी जी जी, उनको सही करने के निर्देश दिए गए हैं जी। कोल्ड चेन कक्ष में प्रकाश व्यवस्था सही नहीं थी जी जी, एक ILR भी खराब था जी, तो उसको ठीक कराने के निर्देश दिए गए जी जी, ताकि वैक्सीन का भंडारण और अच्छे से हो सके जी। प्रसव कक्ष में भी हमको पर्दे लगे हुए नहीं मिले जी, दो डिलीवरी टेबल के बीच में भी पर्दा नहीं था, जिससे कि महिलाओं की निजता भंग होती है जी जी। तो हमने अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि इस बिंदु पर तुरंत ध्यान दें जी, और पर्दे का व्यवस्था करें जी। पेयजल की यहाँ पे उपस्थित आपको व्यवस्था दिखाई पड़ी जी? पेयजल के बारे में? पेयजल की भी दिक्कत है जी, उसमें सुधार के उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द सुधार हो जाएगा जी। थैंक्स।